हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हम एक नया काम करने जा रहे हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। तो फ्रेंड, ये है मेरा ड्राई फ्रूट, ये मेरा 200 ग्राम बादाम है, हम नारियल काट लिए हैं, 250 ग्राम टुकड़े वाला काजू है, मखाना है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। मेरा गोंद है, किशमिश है, ये तीखूर है और ये खरबूजे के बीज है और एक खसखस है जिसको बोलते हैं पौष्टिक दाना, और मेरा ये है आटा और ये है मेरा सौंठ पिसा हुआ। तो फ्रेंड, आप सभी जानती हैं कि हम जितने भी औरतें हैं सभी का कमर दर्द का प्रॉब्लम बना रहता है, ठंडी में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग का जो भी डिलीवरी है सीजन से हुआ है तो उसमें जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है उसी से हमेशा दर्द बना रहता है। तो हम ये लड्डू बनाएंगे उसी के लिए, क्योंकि बहुत ही फायदा करता है। पिछली बार मैं बनाई थी यही, तो ठंडी में एक लड्डू सुबह खाती थी तो बहुत ही फायदा करता था। तो हम लोग अपने बारे में तो सोचते नहीं हैं, शादी के बाद पति के बारे में सोचते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, बट इस समय हम लोग का आवश्यकता है अपने बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई सोचने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं लड्डू बनाने। तो आप लोग देखिए कैसे मैं लड्डू बनाती हूँ। तो सारी जितनी भी सामग्री है उसको मैं पहले भुनना स्टार्ट करती हूँ। पहले हम भूनेंगे खसखस। खसखस घी में नहीं भूना जाता है, इसको हम इसी तरह हल्का सा भूनेंगे। अब मैं आप लोग से भी कहती हूँ कि अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई और नहीं है जो हम औरतों के बारे में सोचे। तो प्लीज़, यदि आप लोग भी कमर के दर्द से शिकार हैं तो इस तरह से लड्डू बना के आप स्टोर करके एक सुबह खा सकती हैं, मॉर्निंग में, या शाम को भी खा सकती हैं। इसको खाने के बाद, ये लड्डू खाने के बाद आप हल्दी वाला दूध एक गिलास नहीं तो कम से कम एक कप ज़रूर पीजिएगा। देखिए, बिल्कुल रामबाण की तरह फायदा करता है, बहुत बेस्ट ये दवा है। पहले इसको हम भून लेते हैं। इसको भी हल्का हम भून लेते हैं, ये बिल्कुल भून जाएगा। इसको हमको बराबर चलाते रहना है। बादाम को हल्का सा हम भून लिए हैं और इसको निकालेंगे हम बाहर। उसी घी में हम भूजेंगे हल्का सा। काजू को फ्राई करते हैं इस तरह से। एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेते हैं। काजू को हम फ्राई कर लिए हैं, तो ज़रा सा हम नारियल को भी फ्राई कर लेते हैं। ज़रा सी से घी डाल दिए हैं, आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकती हैं। और फ्रेंड, मैं किशमिश को ज़रा सा फ्राई की हूँ, क्योंकि अब ये नहीं मुझे पता है कि किशमिश फ्राई होता है कि नहीं, बट मैं ज़रा सा फ्राई कर दी हूँ। और नारियल को ब्राउन हम ज़रा से इसको फ्राई करेंगे। गोंद को हम भून चुके हैं और मेरा आ गया मखाने का नंबर। तब इसको भी ज़रा सा घी डाल के हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि तोड़ने में हमको आसान रहे। सारे ड्राई फ्रूट मेरे फ्राई हो चुके हैं, जो सूखा फ्राई करना था सूखा किए, जो घी भी फ्राई करना था तो घी में हम फ्राई कर दिए। अब नंबर आया है आटे का, तो आटे को भी हम घी में ही भूनेंगे। इस तरह से
कुछ मेरा फ्राई हो चुका है। अब बारी आई है मेरा अलसी भुनने का, तो अब उसको हम भूनते हैं। उसको हम सूखा में भुनना है। तो सारे ड्राई फ्रूट मेरे अलसी के लिए, अलसी के लड्डू के लिए फ्राई हो चुके हैं। और फिर ये जो अलसी का हम लड्डू बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है, और हम लोग का जो कमर दर्द करता है उसके लिए तो बहुत ही दवा है। ठंडी में अगर हम लोग खाएं तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, घी की मात्रा कम डालिएगा। अब फ्रेंड हम आटे को भून लेते हैं। तो आटे को भूनने के लिए भी हम 2 स्पून इसमें देसी घी डाले हैं। तो इसको ब्राउन होने तक हम गैस को सिम कर दिए हैं। इसको धीमे धीमे हम भूनेंगे। आटे को हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अभी मेरा आटा आधा भून चुका है और आधा हमें भूनना है इस तरह से। आटा को हम बराबर चलाते रहेंगे। तो आटे को इस तरह से हम भून लिए हैं। और आप लोग से मैं एक बात बताना चाह रही थी कि ये जो तीखुर होता है तो भूनने से पहले ही इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके बाद इसको हम घी में भूनेंगे। कितने लोग सोचते हैं कि भूनने से गल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको पहले हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको घी में भुना जाता है, ब्राउन होने तक भुना जाता है। क्योंकि लड्डू जो होता है उसमें गोंद हर चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा ही रहती है, और इसको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे लड्डू का स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए इसको हम पीस लिए हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। अब देख सकती हैं कि तीखू मेरा भून चुका है, इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। तो गैस को करते हैं बंद। इसको हम आटे में मिक्स कर लेते हैं। अब तीखू हम आटा में डाल चुके हैं। अब डालेंगे हम ये खरबूजे का बीज। सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। ये है पोस्ते का दाना, ये भी मेरा रेडी हो चुका है। डालेंगे हम किशमिश और लावे को हम इसको इस तरह से फोल लेते हैं हाथ से ही मसल के। और ये जो मखाना है इसको भी इस तरह से तोड़ लेते हैं। और काजू को हम हल्का सा दरदरा मिक्सी में कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हमें दरदरा ही करना है। डाल देते हैं आटे में सब कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमें महीन नहीं करना है। जो इसमें बड़ा है उसको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो हम इसमें मिक्स कर चुके हैं। तो मेरा ये लड्डू बनकर अब रेडी होने ही वाला है। अब कुछ पल बाकी रह गया है, तो अब देखते हैं जो गोंद है उसको इस तरह से तोड़ लेते हैं। इसको मिक्सी के जार में बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड लड्डू को हमें क्या चीज़ में बांधना है डिसाइड करना है। आप चाहें तो चीनी में भी बांध सकती हैं, चीनी पीस कर। बट हम बनाने वाले हैं गुड़ का, क्योंकि गुड़ हमारे शरीर के फायदा करता है। तो डालेंगे हम गुड़। गुड़ का करेंगे हम चाशनी। और बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं, वाली हम 2 भेला लिए हैं गुड़। इसमें डालेंगे ज़रा सा पानी। अब इसके गलने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड मेरे कढ़ाई में पहले से ही गुड़ लगा है, क्योंकि हम बादाम की पट्टी बनाए थे।
इसलिए मेरा एक कढ़ाई साफ थी तो हम सोचे उसी में सीरा बना लेते हैं। तो जैसे ही मेरी चाशनी बन जाती है तो अब जरा सा डालेंगे इसमें घी और बनाएंगे हम लड्डू। गुड़ मेरा गल चुका है, इसका चाशनी नहीं देखना है क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनानी है। तब इसको हम बंद करते हैं, जरा इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा चाशनी बहुत डार्क नहीं करनी है, नहीं तो मेरा ये लड्डू टाइट हो जाएगा। तो इसे हम सिर्फ गुड़ गलाए हैं जरा सा पानी डाल के, तब इसको ठंडा होने तक चला दो ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से। अब फ्रेंड हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ड्राई फ्रूट और ये है मेरा आटा, तो आटे को इसमें मिक्स करेंगे इस तरह से। आटे को मिक्स करेंगे और इतना लिए हम तिल्ली, तिल्ली भी भुने थे तो तिल्ली उसमें हम नहीं दिखाया, तो इसमें डालेंगे हम तिल्ली। और ये है मेरा गोंद, सारी सामग्री हम मिक्स कर लेंगे बराबर। अब डालेंगे इसमें हम सौंठ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ का जो चाशनी किए थे तो गुड़ को भी मिक्स में इसमें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड गुड़ इसमें हम डाल चुके हैं तो इसको इस तरह से मल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम घी, तो घी को हम पिघला लिए हैं तो डालेंगे इतना कम से कम 100 ग्राम घी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड अब लड्डू बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सारी सामग्री मिक्स कर लिए हैं, तब इसको इस तरह से हम बनाएंगे